नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बांडवाल। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। हालांकि आनंद मोहन अभी अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की सगाई को लेकर पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन आज खबर निकलकर सामने आई कि बिहार सरकार की तरफ से कानून में संशोधन किया गया है, जिसके वजह से उनकी रिहाई की जो प्रक्रिया है वो अब तेज हो गई है, यानी कि जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी कि ये पता चल रहा है कि उनकी रिहाई की प्रक्रिया को लेकर अब आने वाले सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, यानी कि आज कानून में संशोधन किया गया और इसके ठीक आने वाले सोमवार को अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस पर समीक्षा की जाएगी कि आनंद मोहन ने अब तक कितना समय जेल में काटा है। और साथ ही साथ इसको लेकर ये भी बताया गया है कि कानून में संशोधन होने के बाद स्क्रीनिंग की कमेटी की बैठक में काटे गए समय के साथ साथ बाकी सजा की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में रिहा को लेकर भी अहम फैसला लिया जाएगा, जिसे हाई लेवल कमेटी को भेजा जाएगा। इसके बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भरोसा भी दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार को की जाएगी। बैठक में जेल आईजी और जेल एडमिनिस्ट्रेटिव शामिल होंगे। इस बैठक में नए प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि आनंद मोहन की सजा और जेल में काटे गए समय की गणना होगी। इसके बाद बैठक में लिए गए निर्णय को हाई लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। दरअसल आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इसको लेकर अब फैसला जो है वो उच्च स्तरीय कमेटी लेगी। गृह अपर सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी में विधि सचिव पटना उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि गृह अपर सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि आनंद मोहन अभी पेरोल पर अपने बेटे की सगाई को लेकर बाहर आए हैं, उनके बेटे की शादी भी होने वाली है, 3 मई को उनके बेटे की शादी होगी। ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि क्या अपने बेटे की शादी के पहले ही आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर लगातार उनके समर्थकों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आनंद मोहन को रिहा की जाए। उनके परिवार के लोग भी लगातार मांग करें कि आनंद मोहन को रिहा की जाए, क्योंकि उनकी सजा जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में लगातार सजा काट रहे हैं। इसको लेकर समर्थकों में आक्रोश है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया था। उन्होंने स्वाभिमान दिवस वाले कार्यक्रम के दौरान ये कहा था भरे सभा में कि जल्द ही आनंद मोहन को रिहा किया जाएगा। इसको लेकर हम उनकी पत्नी से भी बातचीत किए हैं, तो आप लोग इस तरह से शोर मत करिए। यानी कि नीतीश कुमार ने जो भरोसा दिया था उस पर अब वो अमल कर रहे हैं और जल्द ही आनंद मोहन की रिहाई की जो खबर है वो भी मिल सकती है, जिससे समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिलेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।